कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर मैं श्रृंगार कर रही हूँ एकादशी का, अप्राय एकादशी। अभी मैं पहले हफ्ते में दो बार श्रृंगार, मतलब हफ्ते में टू टाइम श्रृंगार करती थी, पर अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरे से हो नहीं पाता। तो अभी मैं एकादशी के एकादशी ही करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ठाकुर जी और राधा रानी जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। और ड्रेस भी मैं नहीं बना पाई, कपड़ा रखा हुआ था पर ना काटने का हुआ, तबीयत ही ठीक नहीं थी। सोचा एकादशी से एक दिन पहले थोड़ा ठीक फील किया, पर एकादशी रखनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो बस तबीयत अच्छी नहीं फील हुई तो नहीं मैं सिल पाई, नहीं बैठा जा रहा था मशीन पे। तो फिर ये मेरे पास मैंने बनाई हुई पड़ी थी कॉटन की, तो मैंने कहा चलो गर्मी है यही पहना देती हूँ। तो तीन चार थी कॉटन की, तो ठाकुर जी को ये पसंद थी तो उन्होंने ये चूज़ की, राधा रानी ने भी चूज़ की, तो मैंने यही पहना दी इनको। एक्चुअल में ये मैंने लास्ट अक्टूबर नवंबर के नवरात्रों में बनाई थी, तो ये वो है। ब्लाउज़ मैंने सिंपल डाला है, इसके साथ का नहीं डाला क्योंकि वो बहुत टाइट टाइट हैवी था, तो मैंने कहा गर्मी बहुत है तो ऐसे ही मैंने ये डाल दिया। और असल में क्या होता है कि हम जितना मर्जी सोचते हैं कि गर्मी है, ये थोड़ा ये चीज़ नहीं डालते, ये चीज़ नहीं डालते, पर मालूम नहीं कुछ ऐसा होता है कि ठाकुर जी या राधा रानी की जो इच्छा होती है वो करवा लेते हैं। कुछ ऐसा मतलब कपड़े डालते हैं तो कुछ ऐसी कमी लगती है, फिर हमें वो चीज़ डालनी पड़ती है, फिर सोचते हैं सिंपल रखते हैं, पर करते 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 हो ही जाता है। तो श्रृंगार उनका बस थोड़ी सी गर्मी की वजह से मैं सोचती हूँ थोड़ा कम, पर पता नहीं अपने आप ही एक चीज़ लगाओ और वो अगर एडजस्ट नहीं हो रही उसके साथ दूसरी अटैच करनी पड़ती है। भाई उनको सुंदर दिखना है तो वो सुंदर दिखना ज़्यादा पसंद करते हैं ठाकुर जी और राधा रानी, तो उनको जो जो कमी हो वो तो उन्होंने मतलब पूरी करनी होती है। और यहाँ पर मैं पिंस लगाती हूँ, तो प्लीज़ मैं पिंस बहुत देख के लगाती हूँ, बहुत समझदारी से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको पिन नहीं चुभने चाहिए। हम सारी चीज़ें देख के करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मैं पिन चुभो देती हूँ और चुभे ही रह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ध्यान से बहुत प्यार से उनको ये लगाते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि गर्मी बहुत थी और एकादशी का श्रृंगार मैंने एकादशी वाले दिन किया, और मैंने प्रण किया था कि आज मैं कुछ, जैसे क्या है मेरे हस्बैंड मेरे साथ फास्ट रखते हैं हर बार, तो अभी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको फास्ट नहीं करना, तो उन्होंने नहीं रखा तो मैं भी थोड़ा लेज़ी हो गई, तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने फ्रूट वाला ही रख लिया, दिन में दो बार फ्रूट खा के और रात को दूध पी के सो गई मैं। तो बस मैं ज़्यादा श्रृंगार में भी मैंने थोड़ा 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 मतलब एक थोड़ा लड्डू गोपाल का सुबह किया, फिर उसके बाद उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई इस बार लड्डू गोपाल की, क्योंकि सुबह मैं नॉर्मल उनको स्नान करा के तैयार कर देती हूँ, उनकी वीडियो नहीं बनी। फिर उसके बाद मैंने मतलब यहाँ पर मैंने खाया पिया कुछ नहीं है, सुच्चे मुँह ही मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो कृष्णा जी का किया, फिर थोड़ा मैंने फ्रूट काट के खाया क्योंकि मुझे वीकनेस फील हो रही थी, फिर मैंने राधा रानी का श्रृंगार किया। तो आज कृष्णा जी की ही वीडियो डाल पाऊँगी, वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा सा हो रहा है, हिसाब किताब अच्छा नहीं है, तो बाकी ठाकुर जी की कृपा है, जो वो करना चाहते हैं करवा लेते हैं। बस यही कहना चाहूँगी, आप प्यार दे रहे हैं देते रहिए, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, ठाकुर जी को देखते रहिए, इनकी छवि निहारते रहिए, मैं भी निहारती हूँ, और अपनी पूजा पाठ में ध्यान दीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठाकुर जी की कृपा तो है ही है सब पे। और कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु आपकी नैया पार लगा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे मैं
प्रभु का नाम लेती हूँ और मेरे सब काम होते जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। बस यही कहूँगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।